एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक बार फिर से, लेकिन इस बार विद इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक स्लैब. बॉक्स में डाल लें, जब पेपर में आता है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की एक्सप्रेशन निकालो, तो विद कंडक्टिंग स्लैब या डायलैक्ट्रिक, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. कंडक्टिंग में कराते हैं डायलैक्ट्रिक, डायलैक्ट्रिक को करते हैं कंडक्टिंग. ध्यान से, ठीक है? तो बॉक्स में नोट करवाया, तो हमने कंडक्टिंग कर लिया, अब हम करेंगे डायलैक्ट्रिक. डायलैक्ट्रिक के अंदर क्या प्रॉब्लम है? अगर ये डायलैक्ट्रिक स्लैब को मैंने इसमें डाल दिया, रूल नंबर वन, ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है. अच्छा, ये ना ये गलती से बन गई लाइन, ये लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, आप हटा लो इसे. तो ये दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और पोलराइजेशन मैंने अंदर करके दिखाई है. देखो, एटम खिंच गए, पोलराइजेशन होगी, इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है. पोलराइजेशन में सारे नेगेटिव लेफ्ट हैं, सारे पॉजिटिव राइट है. तो इसकी स्लैब की थिकनेस क्या है? टी, और डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में है डी. ठीक हो गया यहाँ तक? अगर ये स्लैब में ना डालता तो कैपेसिटेंस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी. सिंपल, अगर मैं ना डालता तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी. क्लियर है? अगर मैंने स्लैब को डाल दिया तो पहली प्लेट पे चार्ज क्या है? क्यू. क्यू तो वही चार्ज दिया जाता है. और पहली और आखिरी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर दूं और डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगी? पूरे इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस. वही सेम रूल है. अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी, इनका डिफरेंस होता है. ये भी क्लियर है? तो अब हम इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. तरीका वही है जो कंडक्टिंग स्लैब में निकाला था. क्या यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट है, जैसे कंडक्टिंग स्लैब में था. और ये लेंथ कितनी है? डी माइनस टी. ये और ये लंबाई कितनी है? डी माइनस टी. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ई नॉट कितने रीजन में है? डी माइनस टी. तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी. और यहां पे टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? ई इंटू टी. ई इंटू टी. क्या ये स्टेप क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस का? फिर देखो एक बार, यहां और यहां के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई को मल्टीप्लाई किया टी के साथ, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस. यहां और यहां की लेंथ डी माइनस टी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट इंटू डी माइनस टी. क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, यस. आखिरी स्टेप, क्योंकि ई का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. और हमने ये किया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के. इस ई को आप यहां पे पुट कर देंगे, यहां और यहां से ई नॉट को कॉमन निकाल लेंगे, यहां से ई नॉट को पुट करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा का मतलब चार्ज बाय एरिया पुट करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. तो कैपेसिटेंस क्या होगी? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पुट करेंगे, क्यू से क्यू कैंसल, एप्सिलॉन नॉट है ऊपर चला गया, टर्म आ गई. इन दो टर्म में से माइनस टी कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? वन. और ये क्या बनेगा? माइनस वन बाई के. तो आपके पास ये क्या आ गई? कैपेसिटेंस. फॉर्मूला नोट करें, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये फॉर्मूला, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी. तो टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो ये फॉर्मूला नोट करें. तो इसके अंदर ये टर्म आ गई.
अब एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? कि अगर मान लो स्लैब की थिकनेस डी थी ना, पूरे मटेरियल में डाइलेक्ट्रिक, पूरे कैपेसिटर में भर दो डाइलेक्ट्रिक, यानी कि स्लैब की थिकनेस टी और डी बराबर कर दो, तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ चार्ज दिया अर्थ में चला गया। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकता, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में डी और टी को बराबर करो, ओपन करो, के ऊपर चला गया, तो ये क्या आ गया? कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अगर आप पूरे मटेरियल में, इस पूरे कैपेसिटर में ये डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम बनाएं, अगर आप पूरे कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के। तो यानी कि कैपेसिटेंस कितने टाइम हो गई? के टाइम्स। अब सोचो, आपको एक ऐसा मटेरियल पता लग गया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है, बिना स्लैब के आंसर मान लो 2 माइक्रोफेरेड है, स्लैब के साथ 80 टाइम हो जाएगा 160 माइक्रोफेरेड। चीज वही है, बस डाइलेक्ट्रिक डाल दो। अब सोचो, आपको डाइलेक्ट्रिक ऐसा मिल गया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 500 है, 500 गुना ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, जगह उतनी सी। क्या कमाल की चीज है, डाइलेक्ट्रिक ढूंढो बस बढ़िया सा, इतनी सी जगह में कितनी कैपेसिटी हो जाएगी। समझ आया यहाँ तक? तो ये फायदा है इसका। तो ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक डाल फुल डालते हैं हम, ताकि कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाए। तो ये तो पता लग ही गया इसमें कि इसके अंदर ये कैपेसिटेंस विदाउट स्लैब है, ये कैपेसिटेंस विद स्लैब है, इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर के टाइम आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और रेशियो आ गई, कैपेसिटेंस सी विद स्लैब, कैपेसिटेंस विदाउट स्लैब। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं फॉर्मूला बुकलेट में, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का पहला फॉर्मूला हमने क्या किया था? फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। दूसरा फॉर्मूला क्या किया था? एप्साइलन मीडियम, एप्साइलन नॉट। तीसरा फॉर्मूला क्या किया आज हमने? ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऐसे किया था ई नेट। और आखिरी फॉर्मूला क्या किया? कैपेसिटर विद डायलैक्ट्रिक, कैपेसिटर विदाउट डायलैक्ट्रिक। तो चारों में से कोई भी नहीं निकल आएगा,